तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग ये है कि अभी आप देख सकते हैं ये सुबह हो रही है हमारी, 8 बजे की टाइम क्लास है। तो अभी बज रहे हैं 7:15 का टाइम अभी हो रहा है। तो यार पूरा 3 हफ्ते गुजर गए हमारे, यार गुड मॉर्निंग ऐसे हो रही है, बहुत बहुत जहर लगती है मुझे यार ऐसी टाइमिंग सुबह की। तो देख सकते हैं कोई भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, और सर्दी भी इतनी नहीं है, बस ठीक है। मैं अभी मतलब ये शावर लिया है तो बेहतर फील कर रहा हूँ। और आप सब कैसे हैं, आप सब ठीक हैं, आप सब की सेहत नियत सब कुछ ठीक है? पाकिस्तान में कैसा वेदर है? वहाँ पे अच्छा ही होगा। और फिर उसके साथ अभी ये है कि ना मेरे पास अभी टाइम है पड़ा, तो मेरा मूड हो रहा है यहाँ पे जॉगिंग करने का। तो फिर मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाता हूँ, जौन सा स्पॉट है अच्छा सा, तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे ना मैं जॉगिंग करता हूँ थोड़ी सी। ये देख सकते हैं सीन, ये सारा कोई भी नज़र नहीं आ रहा आपको। देखिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा, खाली है बिल्कुल। मशरूत के भी चल रहे हैं, ये देखिए ये मशरूत का है। हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो जॉगिंग कर चुका हूँ, तो फिर उसके साथ आज मड्यूल देना है मैंने, 8 बजे मड्यूल है, तो फिर इसलिए रात को वही पढ़ा है। वैसे तुम मुझे पार्क नहीं लेके आए, ये वही वाला पार्क है पार्क। और ये सारे स्टूडेंट जा रहे हैं यूनिवर्सिटी को सुबह सुबह। ये सामने पार्क है। फिर इसके साथ ये है कि ना कल मेरे साथ बहुत फनी सीन हुआ है। सीन कुछ ऐसा था कि मैंने रात को एज यूजुअल शेड्यूल देखा, मैंने डेट नहीं देखी ऊपर से, मैंने सीधा शेड्यूल देखा। शेड्यूल देखने के बाद फिर मैंने देखी क्लास ही 8 बजे, तो मैंने कहा यार सुबह 8 बजे क्लास है तो जल्दी उठना पड़ेगा। मैं पहुँच गया वहाँ पर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ पर तो मतलब क्लास में कोई और बैठे हैं और कोई और क्लास है। फिर मैं शौक गया, मैंने कहा मतलब ये उठेंगे। फिर 5 मिनट मैंने वेट किया, फिर मैं अंदर गया मैम के पास गया, तो फिर मैम को कहा मैम हमारी आज क्लास है, ये देख सकते हैं आपका शेड्यूल है। तो फिर मैम ने कहा ये कल की है, आज की नहीं है। मैं वहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या भाई। फिर शुक्र है मैंने फिर मतलब उस दिन का फिर मैंने शेड्यूल देखा तो 9:30 पर थी, तो उस दिन तो बच गया। तो भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ कभी ऐसा सीन हुआ है मतलब ये कि आपकी क्लास ना हो आप चले गए हो? ओह तो ओके भाई, अब मैं पहुंच चुका हूं, पढ़ के अभी आ रहा हूं, स्टडी हो गया, मॉड्यूल हो गया आराम से, अच्छा हो गया। अब चलता हूं घर, सीधा जाता हूं, नाश्ता करता हूं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे लिए तो बड़ी ब्रेक होगी लेकिन आपके लिए कम होगी, मतलब जल्दी आ जाऊँगा आपके लिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो मैं फिर से दोबारा से आ गया हूँ। आज का सीन ये है कि आज बर्थडे है, बर्थडे
मुन्ने की आज बर्थडे है, मेरा फ्रेंड इब्तिहाज भाई उसकी आज बर्थडे है, तो मैं आज उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:05 का टाइम है, तो फिर उसके साथ अभी मैं चलता हूँ। हाँ तो जाओ सामने, तो अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा सा उसके लिए गिफ्ट लेना है मैंने। तो बर्थडे के लिए कौन सा गिफ्ट लेना चाहिए, क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर क्या करना है, कौन सा गिफ्ट लूँ, कौन सा अच्छा होता है। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे सामने केक की दुकान है तो केक ले लेता हूँ एक बड़ा सा। हाँ ऐसे करता हूँ, केक ले लेता हूँ। अगर आप होते आप क्या लेते तो कौन सा गिफ्ट चालू, नू 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 नू, यहीं पे सामने है दुकान, जाता हूँ वहाँ पे, कैसे केक हैं आपको दिखाता हूँ। चलो लेट्स गो। और यहाँ पे मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, क्लाउडी सा वेदर हो रहा है, क्लाउडी है, धुंध भी है, वाह भाई आज धुंध भी है, क्या बात है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देख धुंध हो रही है। ये देख सकते हैं सारा सीन, ये है दुकान, एटीएम खुली हुई है, बंद है, बंद है यार ये भी, सामने पड़े हैं केक, बंद है। तो अब ऐसा करता हूँ मैं फ्रुंजे की दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कैसे हैं केक। सो लेट्स गो। ये देखो मुन्ने खेल रहे हैं, ये सारे मुन्ने गेम खेल रहे हैं, मौसम देखे हैं और नीचे गेम ये खेल रहे हैं, वाह सही है। भाई पहुंच चुका हूँ, ये है फ्रुंजे और ये हैं केक सारे, ये पड़े हैं, कौन सा चाहिए, कौन सा ले जाओ बताएं आप। कौन सा चाहिए, हाँ भाई ये वाला ले लिए, हमें सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा यही लग रहा है केक, और छोटे हैं देख सकते हैं। और मौसम देख सकते हैं आप केक ले चुका हूँ ये, और फिर अब उसके बाद अब जाता हूँ उसके फ्लैट सीधा। मौसम भी यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, बस सही है, सर्दी इतनी लग रही नहीं है, बस धुंध है, सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही, और मेरे ख्याल से बारिश आने वाली होगी इसलिए। तो चलो अब चलते हैं, आगे की न्यू अपडेट आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो। इतना सिटी के एंड में रहता है, पूरी बस भरी हुई थी, अब खत्म हो गया, सारे पैसेंजर चले गए हैं, एंड स्टॉप इसका ही है चिनार बाज़ार, देखो खाली हो गया बस, बस इक्का दुक्का पैसेंजर बैठे हैं। सो नाउ गाइस, अब मैं चिनार बाज़ार पहुंच चुका हूं, तो अभी चलता हूं, यहां पे मगरिब हो चुकी है, लेट्स गो। इतनी सर्दी नहीं है जैसे ये लग रही है, ये देख सकते हैं ये सीन है। ये है चिनार बाजार, ये जौन से हैं, ये मीठे होते हैं, ये भी बहुत बड़ा बाजार है।
देख सकते हैं सीन यहाँ पे। सेफ सस्ते हैं मेरे ख्याल से, ये देखो सारे सेब हैं सेब। उत्कृत उत्कृत प्रात उत्कृत हेलो बेब कैसे हो? सर सर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। आज क्या क्या बना रहे हो प्याज भाई? हम बड़ो अभी तो बिरयानी बनाने लगे हैं। बिरयानी बना रहे हो, ठीक है। तो भी आप हटा जा, ये हम चिकन लाए हैं। चिकन इनको अब हम कट करेंगे, इनको सफा करेंगे। यहाँ पे ऐसे चिकन यहाँ पर विद स्किन मिलता है, विद स्किन ऐसे मिलते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी स्किन को पहले उतारते हैं। ये पहले उतारेंगे इसको, ये इस तरह। हाँ, इसकी बड़ी गंदी बो होती है, है ना? बिल्कुल, इसीलिए हम इसको पहले उतार देते हो। मेरी बर्थडे यार, मुझसे ही काम करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, करो तुम, अच्छी बात। तो हेलो गाइस, अब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ इतिहास के फ्लैट, और उसके साथ मेरे सामने ये है हसनैन भाई, बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं और ये हमारे मोस्ट सीनियर हैं, ऐसे है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, मोस्ट सीनियर बंदे हैं, और इन्होंने माइग्रेशन की थी, अब यहाँ पे आ गए हैं, वापस आ गए, वापस आ गए हैं। क्या वजह, आप वापस क्यों आए हैं? लौट के पुतू घर को आए हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम पाकिस्तान गए तो वहाँ पे फिर दोबारा से जब सुना कि हमारी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो गई है, हो गई है, तो फिर रिटर्न आ गए बस। दूसरे मुल्क में जाते तो खर्चा भी ज्यादा होता, हर तरह से जो है ना नई जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से वापस आ गए। हाँ, ये भी सही है, हमारे मोस्ट सीनियर थे, लेकिन उन्होंने मतलब ये कि अब एक सेमेस्टर पीछे हो गया। भाई अभी भी सीनियर हूँ ना, आपका सातवां है, मेरा आठवां है, सीनियर हूँ ना। एक सेमेस्टर सारा है, पहले एक साल पूरे थे। और सेमेस्टर क्या, एक महीने का भी सीनियर सीनियर ही होता है। ओके अच्छा चलो, अब शाम को नहीं, एक बात है ना, ये हमारे सबसे फेमस बिश्कीक के कोके हैं, माशाल्लाह से ये बिरयानी पूरे बिश्कीक में फेमस है। हाँ, बना देता हूँ इतना, और अभी हम बिरयानी की जरूरत नहीं है, अभी हम बिरयानी बिरयानी बनाते हैं। और ये पाकिस्तानी रशियन है ना, थोड़ी सी रशियन है, दोनों पाकिस्तानी रशियन है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कक दिला कक जरोवा ब्रदर, और भी आता है ऐसा बोल रहा है। ऑन दिस YouTube चैनल पाजालुस्ता सब्सक्राइब इशोता लाइक तो जे पता मुझता कोई ध्रुव नादा मनोगा दंगी यसली मनोगा व्यूअर मनोगा दंगी बुदा ऑन 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 इमो ध्रुव ऑन खरोशी खरोशी पर खरशो खरशो खरशो। आपने कहा क्या है? पाजालुस्ता इशोरस विलो कक द दिले मिनिया तो जे नादा रस गवारियो खरशो खरशो निपोनियंदा बा निपोनिया निपोनिया स्पसीबा हां खरशो शासुमिनिया गतोवेत बिरयानी इंशाल्लाह कगदा गतोवेत पतम पकायू तिबिया। हां पकायू इंशाल्लाह। वैसे कहा क्या आपने? उन्होंने बोला कि इनका YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, देखोगे तो उसका पैसा मिलेगा, इसको ऐसे बोल दो। हां ऐसे ज्यादा देखोगे तो ज्यादा पैसे मिलेगा। और ये हमारे बंगाली भाई हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ यार। ये यहां पे डेंटिस्ट अपना इंट्रोडक्शन बंगला लैंग्वेज में करा। हां आप अपना बंगाली लैंग्वेज में करें अपना इंट्रोडक्शन। बंगाली में तो बोलते हैं कि अमर नाम जाहिर, এখানে দাঁত ডাক্তারি পড়াশোনা করতেছি লাস্ট ইয়ারে।
क्या लाश उठी हुई है? लास्ट ईयर प्रश्न करते थे हमें लाश, इसका मतलब यही है कि मैं लास्ट ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर भाई सीनियर है मोस्ट। हाँ, ये भी भाई सीनियर है मोस्ट। मेरा आखिरी साल है अभी, नाइन्थ सेमेस्टर चल रहा है। थोड़ा लगता नहीं है लेकिन लगते नहीं है, हैं सीनियर। ये भी इनकी हिस्ट्री भी थोड़ा बता दो ना, कहाँ से आए हैं। हाँ, हिस्ट्री भी बता दो अपनी। मैं यूक्रेन से यहाँ माइग्रेशन लाया हूँ। यूक्रेन से आए हैं माइग्रेशन करके? यूक्रेन से आए हैं माइग्रेशन करके। यूक्रेन वालों ने किक आउट करके इधर भेजा है। अच्छा हुआ है वार की पहले मैं चलाया, नहीं तो वहाँ हमारा क्या हालत होती है अल्लाह जाने। बस बच गए यार, ब्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहो तो कितना अच्छा। बिल्कुल करते हैं। ये हमारी रूम का सब बंदे, इनको देख के रखो आप भाई। ब्लॉगिंग में गाली नहीं देते। शर्म करो यार, यार इतना बड़ा दाढ़ी रखा हुआ यार, क्या यार, ये कट ना करना, ये डाल यार, शक्ल से मॉडल लगते हो अंदर से यार, क्या है? ये गाली नहीं दे रहे आप यार। आपको किसने सिखाया गाली? अच्छा ये बताएं, ये इन्होंने किया है, इन्होंने सिखाया पूरे दिन ये और क्या क्या बोलते रहते हैं। अच्छा ये बोलते रहते हैं, एक दूसरे को बोलते रहते हैं। अच्छा आपको समझ आ जाती है मतलब गाली? तो पूछा है वो क्या चीज है, अभी समझ आ रहा है। भाई हसनैन के ऊपर एक कहावत है, जितने दिखोती उतने अनखलोती। लोड के बुद्धू घर को आए। अभी हम ये कुकिंग कर रहे हैं और इतिहास भी नया ले लिया। यस ब्रो, नया चूल्हा ले लिया हमने। वाओ, थोड़ी सी इसके फंक्शन बताना। हाँ, हाथ ना लगे खराब हो जाएगा। फंक्शन इसके बता दें। ये ब्रो इसका है, ये उसका है, ये उसका है। फंक्शन और डिटेल्स में बताता हूँ। ये आंख बहुत काम आता है इसमें, सबसे ज्यादा आता है इसमें। हाँ। इसमें मीडियम, उसमें भी मीडियम आता है। अच्छा, ये नीचे हमारा वो ओवन है। ओवन है? यस। वाओ, ये नॉट वर्किंग। This is not working. ये भाई बिरयानी बन चुकी है। तो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दैट वीडियो एज मच एज आई एंजॉयड मेकिंग इट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर वाचिंग। इफ यू गाइस डिड एंजॉय वाचिंग दिस, देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा प्रोग्राम था बाहर जाने का लेकिन हम नहीं गए क्योंकि पेट भर गया था हमारा। तो हमारा प्रोग्राम था यहाँ पर बिरयानी करते हैं, उसके बाद हम पिज्जा जाएंगे, वहाँ पर पिज्जा खाएंगे, बट इन लोगों ने पहले ही कह दिया कि हमारा पेट भरा हुआ है, तो एक प्रोग्राम वहाँ का हमारा रह गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा कभी इंशाल्लाह चले, दोबारा कभी इंशाल्लाह जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टाटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन भी दबा। तो ये सारा मदीना बाजार है, मार्केट है। बेड हो गए, कारपेट होंगी उनकी है, ये सब देख सकते हैं।